सो हे गाइस, गेम के अंदर आ चुका है बिल्कुल नया इवेंट। गाइस यहाँ पे इवेंट का जो नाम होने वाला है बूया एक्सटेंशन इवेंट होने वाला है, और ये वाला जो इवेंट है 20 नवंबर से 29 नवंबर तक चलने वाला है। और गाइस मैं आपको बता दूँ, इस इवेंट के अंदर आपको यहाँ पे लेजेंडरी बूया बंडल देखने को मिलने वाला है, जो कि हमारे पास पहले से ही अवेलेबल था। और गाइस आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना गाइस, यहाँ पे हमारे जो अकाउंट में 29,000 डायमंड्स है। बेसिकली मैं आपको बताऊँ कि ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये मेरे एक दोस्त का अकाउंट है। और गाइस यहाँ पे बहुत ही कमाल का बंदा भाई सुबह ही मिला और इतना ट्रस्ट करके उसने हमें आईडी दिया है। तो फटाफट से यहाँ पे कुछ ट्रिक्स का बात करेंगे, कुछ यहाँ पे क्या करने वाले भाई बूया एक्सटेंशन इवेंट में स्पिन करने वाले हैं। और 29,000 डायमंड्स से 391 भी हैं, तो देखेंगे कितने सारे डायमंड्स लगने वाले हैं। और मैं यहाँ पे स्पिन करते करते आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को रखा करो, ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो एग्जैक्ट वो वीडियो आप तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो गाइस देखो, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो कॉस्ट्यूम है इसको लेने के लिए हमें 5 टोकन निकालने पड़ेंगे, जो कि हमारा बूया डे टोकन है, उसको 5 निकालने पड़ेंगे। तो हमारा ये कुछ इस तरीके का कॉस्ट्यूम दिखता है। एंड गाइस यहाँ पे सिंपल सा हम करते हैं 90 डायमंड का और स्पिन। और गाइस इस आईडी में मैं कोई भी ट्रिक यूज नहीं करूंगा, क्योंकि डायमंड्स की कमी नहीं है। तो हमारा पहला टोकन निकल चुका है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमारा पहला टोकन निकल चुका है। एंड मैं वापस से 90 डायमंड का स्पिन करता हूँ। और गाइज प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना आपके कितने सारे डायमंड्स लगे, एंड कौन कौन इसको निकालने वाला है, कौन कौन नहीं निकालने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने सारे डायमंड्स जाने वाले हैं आप लोग प्लीज़ काउंट करते रहना। और यहाँ पे अभी तक हमें एक ही टोकन निकला है, और यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड्स निकले हैं जिसकी मदद से हम वापस से भी स्पिन कर सकते हैं। हमारा दूसरा टोकन निकल चुका है गाइस सिंपल सी स्पिन में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा दूसरा टोकन भी गाइस निकल चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी मैं करना चाहूँगा जो हमें कुछ रिवॉर्ड्स मिले उनसे स्पिन, क्योंकि भैया अगर उस बेचारे के डायमंड्स ही हैं तो यहाँ पे अंधाधुन हम यूज़ नहीं करने वाले, और हम यहाँ पे उन्हें थोड़ा सा एहतियात के साथ ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे रिवॉर्ड से स्पिन कर लेते हैं। बाकी गाइज आप लोग को ट्रिक बता देता हूँ, आपको आपके पास अगर कम डायमंड्स हैं तो आपको करना क्या है, हर बार कैरेक्टर चेंज करने के बाद आपको स्पिन करना है। एंड गाइज यहाँ पे चलो सबसे पहले इसको हम क्लेम टू वॉलेट कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको हर बार कैरेक्टर चेंज करने के बाद स्पिन करना है। और गाइज मैं आपको बता दूँ, अगर आपका फिर भी नहीं निकलते टोकन्स तो आपको लॉग आउट लॉग इन करना है। और गाइज एक चीज़ का बिल्कुल से ध्यान रखना, आपको फ्री फायर मैक्स के अंदर स्पिन नहीं करना है, आपको नॉर्मल फ्री फायर के अंदर स्पिन करना है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे कर लेता हूँ स्पिन। एंड गाइज यहाँ पे हमारे 2 टोकन तो निकले हैं, लेकिन अभी यहाँ पे भाई देखते हैं कितने सारे डायमंड्स लगने वाले हैं। तो मैं वापस से स्पिन करता हूँ। गाइज आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग के कितने सारे डायमंड्स लगे। और गाइज मैं इसको लॉग आउट लॉग इन भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये इवेंट मुझे शो ही नहीं हो रहा है बैनर के बाद। ठीक है, तो चलो एक स्पिन करते हैं भाई, तो एक स्पिन क्या देखते हैं निकलता है या नहीं निकलता है। तो मेरे को शायद इसे स्किप करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले ये कुछ रिवॉर्ड्स हैं, ठीक है, इनसे स्पिन करते हैं, ड्रॉ करते हैं। और भाई यार कितना, मतलब यार कितना सारा डायमंड्स लगता है आपको पता ही है इन लेजेंडरी कॉस्ट्यूम्स में। तो नहीं निकला, तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ क्लेम टू वॉलेट, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है। एंड यहाँ पे किया ड्रो, और फटाफट से करूँगा गाइज अभी स्पिन, क्योंकि अभी बहुत सारे टाइम्स लगने वाले हैं। तो मैं स्किप करके स्पिन कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे नहीं निकला, तो वापस से स्पिन किया भाई। 2 बार स्किप करने पे मतलब 2 ही टोकन निकले गाइज, क्या ही बोलूँ, अभी तक 2 ही टोकन निकले, तो ये नहीं निकल रहा गाइज, क्या ही बोलूँ। तो चलो अभी मैं इसको करता हूँ स्पिन, अगर नहीं निकलता तो मैं वापस से लॉग आउट करना पड़ेगा गाइज। देखो यहाँ पे भाई 3रा टोकन निकल चुका है गाइज, तो हमारे हो चुके हैं 3 टोकन। एंड गाइज यहाँ पे कमाल की बात यह कि हमारे 3 टोकन कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तक हमारे 1000 ही डायमंड्स लगे हैं गाइज। ठीक है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे स्पिन करता हूँ। एंड यहाँ पे इसको कर देते हैं स्किप, तो नहीं निकला, वापस से कर देते हैं ड्रॉ आइटम से, तो नहीं निकला, तो मैं करता हूँ वापस से स्पिन। एंड गाइज अभी आप लोग डायमंड्स काउंट करते रहो भाई, मतलब निकाल के ही छोड़ेंगे। और आपको दिखाने वाला हूँ इस लेजेंडरी कॉस्ट्यूम के साथ आपको 2 से 3 इमोट बिल्कुल फ्री के मिलने वाले हैं, तो बहुत ही कमाल के इमोट होने वाले हैं गाइज, आप लोग को दिखाने वाला हूँ। वैसे आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी
आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपने नहीं देखा, इस कॉस्ट्यूम के साथ आपको 2 से 3 लेजेंडरी इमोट बिल्कुल फ्री के मिलने वाले हैं। और गाइज इस कॉस्ट्यूम का आप अलग अलग कलर्स भी चेंज कर सकते हो। तो वापस से स्पिन किया एंड स्किप करने के बाद भी नहीं निकला, तो 2 बार स्किप किया, वापस से स्पिन करता हूँ। अभी हम लोग को 2 टोकन चाहिए और अगर इस स्किन में नहीं निकलता मैं तो लॉगआउट लॉगिन करके आऊँगा। और गाइज लॉगआउट लॉगिन करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया तो रिवॉर्ड से करते हैं गाइज, ठीक है। तो रिवॉर्ड से करते हैं स्पिन और गाइज एक और टोकन निकल चुका है, हमारे पास हो चुके हैं टोटल 4 टोकन। और गाइज अभी हम लोग को चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 टोकन गाइज, तो 1 टोकन देखते हैं कब तक निकल जाता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से स्पिन करूँगा गाइज, ठीक है। तो अभी मैं स्किप करके स्पिन करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ 1 टोकन के लिए स्किप करके स्पिन। तो देखते हैं कितने सारे डायमंड्स लगते हैं भाई, तो मैं फटाफट से कर देता हूँ गाइज, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना, आप लोग काउंट करना बेसिकली कितने सारे डायमंड्स लगने वाले हैं। तो यहाँ पे भाई साहब मतलब 1 टोकन कितना रुलाने वाला है वो तो सभी जानते हैं भाई, 1 टोकन कितना रुलाने वाला है। तो मैं कर देता हूँ भाई, आईडी वाला बोलेगा भाई क्या कर रहा है भाई, इतने सारे इतनी तेज़ी से डायमंड्स उड़ा रहे हैं। देखो कुछ नहीं कर सकता, 1 टोकन ही चाहिए तो यार स्पिन तो करना पड़ेगा, मतलब 1 टोकन चाहिए तो स्पिन तो करना ही पड़ेगा। तो मैं फटाफट से स्पिन कर देता हूँ, तो अभी नहीं है तो चलो सिंपल सा 120 डायमंड का स्पिन करते हैं। एंड अभी देखो गाइज 1 टोकन के लिए कितने सारे डायमंड्स लगने वाले हैं आप खुद देखना, ठीक है। क्योंकि 1 टोकन मतलब यार 1 टोकन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो लास्ट का टोकन होता है। और अभी हमारी वीडियो भी 6 मिनट की तो हो चुकी है गाइज, ठीक है। तो 1 टोकन भैया प्लीज़, 1 टोकन भैया प्लीज़ प्लीज़ भैया 1 टोकन भाई, यार मतलब क्या ही बोलूँ गाइज, 1 लाख का टोकन किस किस को इतना रुलाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो अभी मैं इन चीज़ों को भेज देता हूँ क्लेम में, क्योंकि भाई के काम आ जाएंगे। तो मैं वापस से किया एंड नहीं निकला, रुक जाओ भैया प्लीज़, आप अभी रिक्वेस्ट मत डालो। तो यहाँ पे गाइज नहीं निकला, तो नहीं निकला तो चलो हम वापस से स्पिन करते हैं। एंड गाइज यार लास्ट के टोकन में ना जब भी फ्री फायर के अंदर ये ऐसा इवेंट आए ना गाइज, देखो कितना सा बचा है, जब भी ऐसा इवेंट आए ना फ्री फायर के अंदर, लास्ट का टोकन मुझे बड़ा तड़पाता है भाई, कि मैं क्या ही बोलूँ, लास्ट का टोकन बड़ा तड़पाता है। तो चलो हम करते हैं स्पिन सिंपल सा। एंड गाइज यहाँ पे 3000 के ऊपर बात जा चुकी है डायमंड्स की, तो यार मैं कुछ कर भी नहीं सकता, अभी निकालना ही है क्योंकि भाई को भी निकालना है और मुझे भी आप लोग को निकाल के दिखाना है। तो मैंने किया एंड यहाँ पे नहीं निकला तो स्किप कर देंगे। एंड भैया रिक्वेस्ट मत डालो प्लीज़, भैया जी क्या कर रहे हो जी। तो यहाँ पे हमने किया स्पिन, नहीं निकला एंड यहाँ पे नहीं निकला भाई, बहुत मारेगा भाई, जिसकी आइडिया ना बहुत मारेगा मुझे भाई, मतलब कितने सारे डायमंड्स लगा दिए, मतलब 3000 डायमंड टोटल लगा दिए। अभी हम करते हैं स्पिन, भाई बहुत मारेगा, जिसकी आइडिया ना बहुत मारने वाला है मुझे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायमंड्स लग गए। और भाई अब मैं क्या ही कर सकता हूँ यार, मतलब ऐसे स्पिन कर रहा हूँ फिर भी नहीं निकल रहा है। तो चलो करते हैं स्पिन, बाकी आप लोग को पता ही है निकाल के तो छोड़ेंगे ही। तो ये मतलब लास्ट का टोकन यार कितने सारे डायमंड्स खाता है भाई, मतलब लास्ट का टोकन कितने सारे डायमंड्स खाएगा, अभी मैं क्या ही बोलूँ गाइस, देख रहे हो मतलब किस तरीके से डायमंड्स खा रहे हैं यार। यार ऐसे थोड़ी होता है भाई, मतलब लास्ट का ही तो टोकन है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। तो चलो रिवॉर्ड से स्पिन कर लेते हैं भाई, दे दे प्लीज़ यार 1 टोकन दे दे भाई प्लीज़, 1 टोकन भाई यार 1 टोकन, इसको हटाओ, इसको कर दो क्लेम टू वॉलेट एंड 1 स्पिन। तो ये नहीं निकला, तो चलो इसको भी मैं क्लेम टू वॉलेट कर देता हूँ गाइस, मतलब इतने फास्ट स्पिन कर रहा हूँ। तो चलो 1 20 डायमंड का स्पिन करते हैं, फिर 5 स्पिन करते हैं एंड उसके बाद मैं लॉग आउट करके आऊँगा, क्योंकि भैया के बहुत ज़्यादा डायमंड चले गए यार, ठीक है। तो 1 टोकन नहीं दे रहा है, अब मैं क्या ही बोलूँ भाई इसको, तो भाई यार प्लीज़ 1 टोकन दे दो। तो चलो गाइस यार लॉग आउट लॉगिन करके आता हूँ, ठीक है। सो गाइज मैं आ चुका हूँ लॉगिन लॉग आउट करके एंड वापस से अभी तो निकलना जाना चाहिए भाई यार, मतलब ऐसे तो बंदे के बहुत सारे डायमंड्स लग जाएंगे, अब मैं क्या ही बोलूँ गाइज, ऑलरेडी 4000 के आसपास डायमंड्स लग चुके हैं। तो मैं करता हूँ 90 डायमंड का स्पिन एंड 90 डायमंड का स्पिन करने के बाद देखते हैं निकलता है या नहीं निकलता है। भाई ये फ्रेगमेंट पे क्यों रुक जा रहा है भाई, मतलब अगले के भाई बहुत पैसों के मतलब कीमती डायमंड्स है यार, ऐसे थोड़ी यार यूज कर लोगे भाई तुम, मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, मतलब इसको कुछ बोल भी नहीं सकता और निकालना भी ज़रूरी है। तो मैं स्पिन किए जा रहा हूँ भाई, ऐसे थोड़ी यार प्लीज़ यार दे दो यार, मतलब लास्ट वाला टोकन यार, ये फ्रेगमेंट पे क्यों रुक जा रहा है यार, ऐसे थोड़ी होता है भाई, फ्रेगमेंट पे रुक जा रहा है यार भाई। यार आप लोग बताओ, आप अगर एक नॉर्मल फ्री फायर प्लेयर हो, आप लोग के पास 1000 2000 लिमिट में डायमंड्स रहते हैं,
तो मतलब आप लोग कैसे निकाल पाओगे, मतलब इसने ऑलरेडी 4000 डायमंड्स यूज कर लिए इस बंदे के, फिर भी नहीं निकल रहा है। देखो फ्रैगमेंट पे रुक जा रहा है, मतलब लास्ट का टोकन नहीं निकल रहा है गाइस। ठीक है तो यार लास्ट का टोकन प्लीज़ यार, लास्ट का टोकन दे दे भाई प्लीज़, लास्ट का टोकन चाहिए यार, दे दे यार प्लीज़ यार। ये देखो ये फ्रैगमेंट पे क्यों रुक जाता है भाई, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है ये फ्रैगमेंट पे क्यों रुक जाता है। तो चलो अभी हम इन आइटम से स्पिन कर लेते हैं, तो निकल जा भाई 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 भाई, भैया 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 एक टोकन नहीं दे रहा है यार प्लीज़ भाई, एक टोकन भाई प्लीज़, बहुत मारेगा मुझे वो, इसकी आइडिया यार बहुत मारने वाला है, क्योंकि भाई इतने सारे डायमंड्स यार मैं क्या ही बोलूँ। और वीडियो भी 10 मिनट का हो चुका है यार। ठीक है तो चलो हम यार अभी मेरे को स्किप करके ही स्पिन करना पड़ेगा, तो सॉरी भाई मैं स्किप करके स्पिन करता हूँ। एंड नहीं निकला, एंड नहीं निकला, नहीं निकला, नहीं निकला, नहीं निकला, मतलब समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो। चलो मैं लगा ही देता हूँ आज, देखते हैं भाई वो मारेगा मुझे, बहुत मारने वाला भाई जिसका ये है। देखो देखो नहीं निकल रहा, क्या करूँ बताओ। लो 20 डायमंड्स का स्किन करते हैं, एक टोकन भाई प्लीज़, एक टोकन निकल गया गाइस, निकल गया भाई प्लीज़ यार, आई एम सॉरी भाई। 5300 के आसपास डायमंड्स लगे हैं गाइस। फटाफट से आपको आइटम्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये है हमारा पम्पकिन बॉम्ब, ठीक है तो इक्विप कर लेते हैं। ठीक है और उसके बाद गाइज यहाँ पे ये है हमारा बैकपैक जो इसके पास अवेलेबल था ऑलरेडी, और ये जीप का स्किन, ठीक है इसको हटा देते हैं। एंड गाइज यहाँ पे ये कुछ गन स्किन है, और गाइज फाइनली यहाँ पे हमारा निकल चुका है बंडल। एंड गाइज यार देखो कैसा बंडल होने वाला है यार, बहुत मेहनत लगी है भाई। ठीक है तो इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के साथ यहाँ पे 3 इमोट्स मिले, ठीक है तो इमोट फुल हैं, तो बंडल को कर देते इक्विप। एंड गाइज अभी मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ, तो बंडल हमने कर लिया इक्विप। देखो वोल्ट में जाओगे, लेजेंडरी पे जाओगे, यहाँ पे बुया डे बंडल पे जाओगे, कलर चेंज कर सकते हो सबसे पहले आप यहाँ से, ठीक है कोई भी आप कलर चेंज कर सकते हो। देखो ये उसके बाद गाइज मैं आपको दिखा दूँ, ये एक इसका इमोट है जो पूरा स्क्वेड करेगा जब भी आप दिखाओगे, और ये एक इसका इमोट है जो इसका एक्सक्लूसिव इमोट है, एंड ये इसका एनिमेशन है जब आप किसी ग्रुप में एंट्री लोगे, एंड ये इसका एक सर्कल है जहाँ पे आप खड़े रहोगे उसके नीचे बनेगा। सो गाइज आई होप लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलो यार बाय बाय।